चिमा जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो मूर्ति उस कमरे में रखी दी। हे देवी माँ, मेरे माँ को इस गहरे संकट से बचाओ। चिमा जी ने लक्ष्मी बाई को उस मूर्ति के साथ बंद तो कर दिया है, पर क्या ये मूर्ति इतनी शक्तिशाली ताकत को खुद में समा पाएगी? क्या रहस्य है इस मूर्ति का? लक्ष्मी बाई के अंदर कौन सी बुरी शक्ति समाई है और उसका मकसद क्या है? वर्तमान काल में महादेव अपने बेटे एकदंत से एक तहखाने के अंदर उस मूर्ति के सामने उस अतीत के बारे में कहानी बोल रहा था। तभी एकदंत अपने पिताजी से कहता है, ये सब तो भयानक है पिताजी, लेकिन यही मूर्ति क्यों? महादेव अपने बेटे से कहता है, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, लेकिन उसकी प्रचंड शक्ति की वजह से वो संसार का विनाश कर देगा, ऐसा भगवान शिव को लगा। तब उन्होंने शरभ देव का अवतार लिया। शरभ ऐसा अवतार था जिसे सिंह का शरीर था, उसे 8 पैर थे और गरुड़ जैसे पंख थे। शरभ अवतार ने 18 दिन चले युद्ध में नरसिंह का प्रभाव किया और वही नरसिंह अवतार खत्म हो गया। अपनी माँ को मूर्ति के साथ छोड़कर चिमा जी बाहर आया और रखमा का मृत शरीर उस खूंटी से निकाला। रखमा को इस हालत में देखकर चिमा जी के हृदय को काफ़ी पीड़ा हो रही थी। चलिए गुरु जी, अंदर जाकर देखते हैं उस मूर्ति ने अब तक अपना काम कर दिया होगा। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही चमत्कारी है चिमा जी। मैं समझ सकता हूँ तुम पर अब क्या बीत रही होगी। तुमने एक ही दिन में काफ़ी कुछ खोया है। हाँ, लेकिन इस सब घटनाओं में मेरे इस रखमा को खो दिया। अब दोनों को ही अग्नि देनी होगी। उसकी तैयारी करते हैं, मृत शरीर को ऐसे नहीं रखते। जी गुरुजी, उस रात उन दोनों शरीरों पर अंतिम संस्कार हुए। उन दोनों शरीरों ने काफ़ी कुछ सहन किया था, लेकिन अंत में उन दोनों को भी मुक्ति मिल जाए ऐसी प्रार्थना चिमा जी कर रहा था। वो अपनी माँ और पत्नी दोनों से ही बहुत प्रेम करता था। गुरुजी, मुझे ऐसी विद्या सीखनी है जो लोगों की मदद कर सके, जो आत्माओं को मुक्त कर पाए, जो बुरी आत्माओं से लड़ पाए। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आगे किसी की भी साथ ना हो। मुझे सबका कल्याण करने के लिए उस विद्या का इस्तेमाल करना है। चिमा जी, मैं खुद इस विद्या में पारंगत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। हम जरूर किसी को ढूँढेंगे जो तुम्हें ये विद्या सके। उसके बाद चिमा जी ने वो विद्या सीखी और उसका इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए ही किया है। मूर्ति के सामने खड़े होकर एकदंत और महादेव दोनों बातें कर रहे थे। इतना बोलकर महादेव रुक गए। तहखाने से बाहर आने के बाद वो एकदंत को ये अतीत की कथा सुना रहे थे। पिताजी, ये कहानी किसकी है? एकदंत, तुम अभी तक नहीं समझे, ये हमारी ही पूर्वजों की कहानी है। चिमा जी हमारे ही पूर्वज थे, और ये जो गंडभेरुंड की मूर्ति अभी तुमने देखी, ये उन्हीं की देन है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो ठीक से सुनो एकदंत। ये मूर्ति श्रापित है। अगर कोई आधे प्रहर से ज़्यादा उस मूर्ति के सामने बैठेगा तो उसकी आत्मा ये मूर्ति सोख लेती है। लेकिन ये कैसे संभव है? ये तो तुम जानते ही हो कि हमारे पुराण मंत्र विद्या और रहस्य से परिपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि उसके 5 उपग्रंथ हैं, उन्हें वेद कहा जाता है, लेकिन असल में उन्हों वेद के मान्यता नहीं है। असुर वेद के 4 वेद हैं, सर्व वेद, पिशाच वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। उस सरदार की ऐसी योजना थी कि वो खुद की आत्मा उस मूर्ति में डालकर दूसरे शरीर में ही वही आत्मा डालेगा।
ऐसा करने से उसे कोई मार नहीं पाता और वो अमर हो जाता। पिशाच वेद में लिखे मंत्र ऐसा करने के लिए उसकी मदद करते थे। और ये मूर्ति कहाँ से आई, उसी की खोज आगे चिमाजी ने लगाई। उसे पता चला कि ये मूर्ति सात वाहन कालीन है। ये मूर्ति गांव के एक तालाब में मिली थी, लेकिन जैसे ही सरदार को वो मूर्ति दिखी, उसे इसकी शक्तियों का आभास हुआ। इस मूर्ति में जिस पत्थर का उपयोग हुआ है उसे नक्षशिला कहते हैं। ये पत्थर गलत काम के लिए या फिर काली जादू इस्तेमाल होता है। ये पत्थर देखकर वो पुजारी जान गया कि ये मूर्ति किसी बुरे काम के लिए ही बनी होगी। पर ऐसे शापित मूर्तियां बनाई ही क्यों जाती है, क्यों नहीं? नाना साहेब पेशवे के पास तो नित्य पूजागर में ऐसी ही एक गणेश जी की मूर्ति थी। वो अघोरी मूर्ति जिस घर में गई उसका सर्वनाश हो गया। ये कथा तो सर्वश्रुत है। ये गंड भैरुंड की मूर्ति भी उसी श्रेणी की है। ये फिर ऐसा भी कहा जाता है कि ये उससे कहीं ज़्यादा भयंकर है। इतना कहकर महादेव ने उस मूर्ति के सामने एक कलश रख दिया। तहखाने में तीन रेखाएं बनी हुई थी। महादेव उन से रेखाओं के पीछे आकर खड़े हो गए। यहाँ क्या होगा ये समझे तुम एकदंत? समझ गया, उस कलश में बुरी आत्मा है और वो मूर्ति इस आत्मा को सोख लेगी और हमें उन आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक समझे, हमारे तहखाने में जो तीन रेखाएं हैं उनके अंदर हम आधे प्रहर से ज़्यादा नहीं रुक सकते। वे रेखाएं उस मूर्ति से एक सुरक्षित अंतर दर्शाती है और वही रेखाएं इस तहखाने के बाहर बुरी शक्तियों को आने नहीं देती है। और तुम भी ध्यान में रखना, इस मूर्ति का उपयोग सिर्फ उन्हीं आत्माओं के लिए करना जिनको तुम मुक्ति नहीं दिला सकते। जी पिताजी, ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उसके बाद पिशाच वेद ग्रंथ का क्या हुआ? उस वेद के साथ चिमाजी ने क्या किया, ये बात तो किसी को नहीं पता। वे वेद अभी है भी या नहीं, इस बात का पता किसी को नहीं है, क्योंकि चिमाजी की मृत्यु के बाद वो वेद ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी एक दंत अपने मन में सोचने लगा, वो वेद उन्होंने जानबूझकर छिपाया होगा या फिर नष्ट भी किया होगा। अगर वो अस्तित्व में है तो वो मुझे ज़रूर ढूंढना है। ऐसा क्या लिखा होगा उस वेद में? एक दंत खुद आर्कियोलॉजी का अभ्यासक था और ऐसे पुराने ग्रंथ के बारे में पता चलना उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। उसने ठान ली थी कि वो उस ग्रंथ का पता लगाकर ही रहेगा। तभी हम लोग देखते हैं चिमाजी एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा है। अपनी पत्नी और माँ को खोने के बाद चिमाजी सिर्फ साधना और पिशाच वेद की विद्या सीखने की में अपना पूरा समय बिताता था। उसके बाद चिमाजी का बेटा ज्योत्याजी भी काफ़ी शांत हो गया था। हम उम्र बच्चों के साथ खेलना मिलना जुलना उसने बंद कर दिया था। वो अकेले रहने लगा था। चिमाजी ने ज्योत्याजी को फिर से खुश करने का बहुत प्रयास किया लेकिन ज्योत्याजी कुछ भी बात नहीं मानता था। देखो ज्योत्याजी, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ। ज्योत्याजी कुछ भी नहीं कहता है। कुछ तो कहो बेटा। इन घटनाओं के बाद चिमाजी को रकमा की कमी भी खल रही थी। ज्योत्याजी भी काफ़ी छोटा था। चिमाजी उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन माँ की कमी वो कभी भी भर नहीं पाया। ये सब देखते हुए चिमाजी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी होने की वजह से चिमाजी ने ज़्यादा बड़ा समारोह नहीं किया, बस थोड़े से करीबी रिश्तेदारों के सामने उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। ये नई शादी चिमाजी की ज़िंदगी संवार लेगी या और ज़्यादा मुसीबतें लाकर आएगी? आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ
आरजे पल्लवी पॉडकास्ट की हॉन्टेड सीरीज की कहानी प्रतिलिपि कॉमिक्स की पिशाच वेद। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आज की हॉन्टेड सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कैसे लगी आप लोगों को आज की कहानी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय।